में आपका स्वागत है। हमारी जो लाइव क्लास है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, वो डेली 7 AM केमिस्ट्री और 9 PM फिजिक्स की क्लास होती है। आज संडे को न्यूमेरिकल्स हम डाल रहे हैं चैप्टर सेकंड के, ठीक है। चैप्टर सेकंड के एक संधारित्र पर यानी कैपेसिटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, जो कि एक्सरसाइज है के न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी के बलबूते जाओगे तो हमारे 50% से कम ही मार्क्स आएंगे। मतलब अगर 100 का पेपर होता है तो 50 के नीचे ही मार्क्स आएंगे। इसलिए थ्योरी के साथ हमें न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए क्लास 12th के लिए। यदि आपका टारगेट JEE और NEET है तो न्यूमेरिकल तो आने कंपल्सरी ही है, तो इसीलिए हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अभी जो न्यूमेरिकल है वो है 2.8, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। 2.8 न्यूमेरिकल, 2.8 आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आ रहा होगा, आप वो पढ़ सकते हैं साथ में, या फिर बुक के साथ में भी आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो है क्या इसके अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके अंदर हवा भरी हुई है। प्लेटों के बीच में क्या भरी हुई है, देखिए जो जो दिया गया है ना इंफॉर्मेशन वो हमें लिख लेनी है, दिया गया है तो क्या क्या भरी हुई है। एक तो हवा भरी हुई है, ये हमें दिया गया है, क्योंकि हवा और माध्यम बढ़ते ही हमारे पास संधारित्र का जो फॉर्मूला है वो अलग हो जाता है संधारिता के लिए। क्षेत्रफल प्लेटों का जो एरिया है, एरिया क्षेत्रफल वो हमें दिया हुआ है 6×10⁻³ 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना एरिया हमें दिया हुआ है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दी हुई है 3 mm, यानी समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है दूरी है वो 3 mm दी हुई है। तो सबसे पहले इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो mm का हो जाएगा 3×10⁻³ मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस यानी धारिता, धारिता कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस वी हैव टू कैलकुलेट सी, सी कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो इसी सा न्यूमेरिकल है। फर्स्ट पार्ट तो देखिए 2.8 एंड 2.9 दोनों लिंक्ड है, 2.8 इजी सा न्यूमेरिकल है। अब इस कैपेसिटर को जो है वो 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया है, कितने वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया है, 100 वोल्ट की सप्लाई से हमने इसको जोड़ दिया है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इस जो संधारित्र है, इस संधारित्र पे कि हर प्लेट पे यानी समांतर प्लेट संधारित्र है, तो एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी, तो इन दोनों प्लेटों पे चार्ज कितना आएगा। तो हमें पता है जितना चार्ज इस पर प्लस आएगा उतना ही चार्ज उस पर माइनस का आएगा, यानी इस पर प्लस क्यू है तो इस पर क्या आएगा, माइनस क्यू। तो हमें क्यू का मान निकालना है, और क्यू बराबर क्या होता है, सीवी, क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा, वी तो दिया हुआ है। अब यहां पर माध्यम में क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, हवा की जो धारिता है वह रहेगी C=εOA/D। एप्साइलेन नोट का मान हमें पता है 8.85×10⁻¹2। ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल एरिया 6×10⁻³, और डिस्टेंस कितनी रहेगी 3×10⁻³। ठीक है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन, ये कट जाएगा सीधा सीधा, ये 3×2 = 6 हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×2 = 10, 16×17 और 16×17 = 12 यानी 17.70×10⁻¹12 क्या जाएगा, फेरेड, और 12 को हटाएंगे तो क्या जाएगा, पिको फेरेड। तो धारिता यानी 10⁻¹0। अब हमें पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट करना है, और पॉइंट को इधर शिफ्ट कब कर सकते हैं, तो वो तरीका वैसे तो छोटे क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से कर लेते हैं। 17 पॉइंट अगर हम हटाते हैं, हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100।
ठीक है, इस पॉइंट को हटा दिया, अपॉन में आ गया 100। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इधर लेकर जाना है, मतलब 1, 2, 3 इधर लेकर जाना है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने 10 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से कर दिया डिवाइड, और ये कितना चल रहा है, 10^-12 फेरेड, पिको को हमने फेरेड में बदल दिया। अब ये 1000 हो गया, तो 1000 हो गया तो 1.770 इंटू 10^1 हो गई, 10^-12 हो गई, इन तीनों को दशमलव यानी पॉइंट में बदल दिया। अब ये 5 से ज्यादा है तो इसको कर देंगे 1.8 और ये हो जाएगा 10^-11 फैरेड। ठीक है, इजी चीज है। अब सी भी हमें निकालना है, तो सी का मान तो हमने निकाल लिया 1.8 इंटू 10^-11 और ये दिया हुआ है 100, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10^-9 कूलम क्यू बराबर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी आंसर है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो हमें समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी ही है, सेकंड क्वेश्चन इसका समझना है। ठीक है, तो क्यू बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई और सी बराबर भी वैल्यू आ गई, तो इसको हम लिख लेते हैं, है ना। सी बराबर तो हमने निकाला था, सी बराबर हमने सोल्व किया था 1.8 इंटू 10^-11 फेरेड, और क्यू बराबर निकाला है 1.8 इंटू 10^-9 कूलम। ठीक है, अब इसका जो 2.9 क्वेश्चन है, 2.8 के अगला ही का पार्ट है 2.9। ठीक है, अब उसको समझते हैं क्योंकि वो है समझने वाली चीज। ठीक है, तो 2.9 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन What would happen if the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet inserted? अगर जो पहले कैपेसिटर में क्या थी, हवा थी, अब संधारित्र के अंदर, कैपेसिटर के अंदर हमें 3 mm की एक मिका सीट, जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट परावैद्युतांक क्या है, 6 है। परावैद्युतांक कितना है, 6। एप्साइलिन आर कितना है, 6 है। ठीक है, और उसकी थिकनेस, मोटाई कितनी दी हुई है, 3 mm मोटाई दी हुई है, 3 mm यानी 3×10^-3 meters। ठीक है, और वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, यही वोल्टेज सप्लाई जब जारी रहे और यही वोल्टेज सप्लाई जब हटा दे, तब हमें क्या निकालना है, इस पर हमें निकालना है वोल्टेज, हमें निकालना है आवेश निकालना है। वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड एंड आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, तो ये हमें बताना है कि अगर जब सप्लाई जब तक कनेक्ट रहेगी तब क्या रहेगा, और जब सप्लाई हटा देंगे तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हवा भरी हुई थी, अब हमने क्या भर दिया, एक माइका सीट हमने ले ली। ठीक है, MICA ये सीट हमने ले ली, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर थिकनेस है 3×10^-3 meters। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए संधारित्र प्लेटों की चौड़ाई कितनी है, 3×10^-3 meters, और संधारित्र के अंदर जो परावैद्युतांक भर रहे हैं वो भी कितना भर रहे हैं, 3×10^-3 meters के अंदर ही हम भर रहे हैं, यानी पूरा संधारित्र पूरे के अंदर, ये डी बराबर क्या हो गया, टी, पूरे के अंदर हम क्या भर रहे हैं, परावैद्युतांक पदार्थ भर रहे हैं, और ये हमने वीडियो में कवर किया हुआ है। जब पूरा का पूरा संधारित्र किससे भरा हुआ हो, परावैद्युतांक पदार्थ से भरा हुआ हो, तो जो धारिता आती है CM माध्यम की, वो एप्साइलन आर सी नोट हो जाती है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, वीडियो आपको देखना जरूर से, कि जब पूरे के पूरे संधारित्र के अंदर परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ हो, तो एप्साइलन आर कितना है, 6, और सी कितना निकाला था, 1.8 इंटू 10^-11 फेरेड, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 108 पिको फेरेड। इस डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, 108 पिको फेरेड। फिर आवेश, अब आवेश कितना रह गया, तो क्यू डेस CmV, तो CM कितना गया, 108 इंटू 10^-12, V कितना है, 100, और ये हो जाएगा 108 इंटू 10^-10
कूलाम। 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम। और इसको ज्यादा जैसे बुक में सॉल्व किया हुआ है तो वो जाएगा 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम। ठीक है, ये स्टेप आनी चाहिए। किया क्या है, 100 से डिवाइड किया, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, जो डिवाइड किया उससे तो हमने पॉइंट लगा दिया, और जो मल्टीप्लाई किया दो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे कि व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, जब ये जो वोल्टेज सप्लाई है ये जुड़ी रहे, वोल्टेज सप्लाई है ये जुड़ी रहे, तब जो हमने ये तो सॉल्व कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे ये ले लिया क्यू डेज कितना जाएगा, इतना जाएगा। ठीक है, तो क्यू डेज पर तो ये फर्क पड़ने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, सप्लाई जब डिसकनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा। अब देखिए ये समझने वाली बात है, सेकेंड क्वेश्चन ये तो हमने सोल्व कर ही दिया है। सेकेंड क्वेश्चन में पहले संधारित्र को क्या कर रखा था, एक वी वोल्ट की सप्लाई से जोड़ रखा था, तब ये संधारित्र आवेशित हो गया, आवेशित हो गया तो इस पर प्लस आवेश आ गया और इस पर माइनस आवेश आ गया। पहले वायु भरी हुई थी तब इतना आवेश था, अब क्या कर दिया इसका मतलब परावेद उत्तान पदार्थ भर दिया तब इतना आवेश आ गया। अब इस सप्लाई को हमने हटा दिया, सप्लाई को हमने हटा दिया और किसी से जोड़ा हुआ नहीं है, तो आवेश तो पहले जो हमने चार्ज किया था उतना ही रहेगा, क्योंकि आवेश को बहने के लिए जगह ही नहीं है, जो और कहीं चला जाए तो आवेश तो है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, आवेश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 गुना। धारिता जो है वो संधारित्र की नियत है ही, तो धारिता जो है, धारिता कितनी हो जाएगी जो हमने निकाला है, धारिता जो रहेगी वो जाएगी 108 पिको फैरड। ठीक है, माध्यम जब हमने इंसर्ट कर दिया तो धारिता ये होगी। पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी वी हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब वी था 100 वोल्ट, ठीक है, अब यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू था तब और माइनस क्यू था तब, यानी जब इसके अंदर हवा भरी हुई थी तब इतना विभवांतर था, अब हमने इस पे भर दिया माध्यम, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, V इक्वल टू होता है 1/4πε0 q/r निर्वात के लिए, और माध्यम आ जाएगा तो 1/4πε m q/r, जब इनका रेशियो करेंगे तो q/r से q/r कट जाएगा, 4πr से 4πr कट जाएगा, ε0 और ε r, ε0 से ε0 कट जाएगा, ε r आ जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा V0 Vm इक्वल टू ε r। अब हमें V नोट तो दिया हुआ है जब हवा भरी हुई थी, अब जब माध्यम भर दिया तो संधारित्र पर कितना विभवांतर आएगा, तो वो क्या जाएगा वी एम बराबर V नोट अपॉन एप्साइलन आर, V नोट कितना है 100, एप्साइलन आर कितना है 6, इसको डिवाइड कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 16.6, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप दोबारा से देखिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहले तो सप्लाई कनेक्टेड थी, पहले वाले ऑप्शन में सप्लाई कनेक्टेड थी, तो 100 वोल्ट की सप्लाई कनेक्टेड थी तो हमने गुणा कर दिया, अब जब सप्लाई हटा दिया तो इसके ऊपर कितना विभवांतर है वो हमने निकाल लिया कि यहां पर, क्योंकि प्लस आवेश है माइनस आवेश है, तो प्लस आवेश का उच्च विभव, माइनस आवेश का निम्न विभव, तो यहाँ पर जो विभव होने वाला है वो 16.6 वोल्ट हो जाए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। जय हिंद।